ग्रेटर नोएडा वेस्ट द मंथन स्कूल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। आइए इनसे बात करेंगे। इन सब ये इस वक्त हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से बोल रहे थे, सर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफिस खोला जा रहा है, किन उम्मीदों के साथ स्पोर्ट्स को आप आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? सर पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी नेशनल बॉडी और स्टेट बॉडी से जिन्होंने कि ये कार्यभार हमें दिया कि किस तरीके से हमें करना है, कैसे करना है। उन्होंने हमें एफिलेशन दी और मंथन स्कूल में दिया, यहाँ पे इन्होंने ब्रांच ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोलने के लिए। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी नेशनल बॉडी एंड स्टेट बॉडी जनरल सेक्रेटरी को। और आगे इन भविष्य में हम चाहेंगे कि यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी संस्था के द्वारा डिफरेंट स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दिया जाए और उनके अंदर फेयर प्ले माध्यम से हम लोग उनको आगे निकाल सकें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। लेकिन नरेश जी, स्कूल लेवल पे आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं, इसमें स्कूल का कितना पार्ट रहेगा, आप लोगों का कितना रहेगा? हम लोगों का बिल्कुल सहयोग रहेगा। हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम कुमार मेहदी राठा जी ने अभी एक मीट जब हमारा ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि डेफिनेटली हम लोग पूर्ण रूप से जितना भी हमारी तरफ से, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हमारा चाहे हम बच्चों को स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं, वेन्यूज़ हैं, और टेक्निकल और अनटेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे संस्था को। इस वक्त हमारे साथ यूपी कोऑर्डिनेटर भी हैं अकाजी। अकाजी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समस्या यूपी में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए? सर जैसे कि क्या है कि स्पोर्ट्स का यूपी में देखा जाए उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अभी क्या है कि यूपी का प्रॉपर ऑफिस हमारा मंथन स्कूल में खुल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मंथन मैम के प्रिंसिपल मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स में अपनी रुचि दिखाते हुए अपना पे हमारा एक ऑफिस ओपन कराया, जिसमें क्या है कि टोटली सहयोग वगैरह सारा मैम का ही है। और स्पोर्ट्स के जरिए और हम और मैडम हमारी संस्था और मंथन स्कूल के द्वारा हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे क्या है कि बच्चों को हम उस लेवल पे लेके जाएंगे कि जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। जैसे कि क्या है कि कोई बच्चे होते हैं हुनर नहीं निकाल, हुनर तो होता है लेकिन आगे जाने के लिए आज के समय में क्या है कि पैसे वगैरह नहीं होते। तो हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि हम उन बच्चों को भी आगे ले गए जिनके अंदर हुनर है। तो आप लोग हुनर पे काम करेंगे। साथ ही राजस्थान के सेक्रेटरी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सबसे बड़ा मतलब यही है कि गांव-गांव से हम बच्चों को बाहर निकाल के लेके आए और हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट में हमारा एक ऑफिस हो और इस एसोसिएशन को हमें ऊंचे स्तर के ऊपर लेके जाने का हमारा ये मतलब प्रयास है। तो हम सभी हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा मतलब टीम बनाकर एक बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं। नेशनल सेक्रेटरी, उनसे सबसे पहले समझ लेते हैं। सर यहाँ आप आए हैं, क्या चीज़ें देखी आपने, क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके का लेवल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ के? यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के स्टाफ और जो डायरेक्टर मैम हैं उनसे भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का टोटल स्टाफ बहुत ही गुड पर्सन, यानी कि बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने इतने आदर और सम्मान के साथ में मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। प्लस में यहाँ हमारे स्कूल स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पूरे दिल, तन, मन और धन से फुल सपोर्ट किया और हमारा ब्रांच ऑफिस भी अपनी स्कूल में खुलवाकर यहाँ से मैम्स के द्वारा जो रिप्लेसमेंट मिले उनसे हमें बहुत ही खुशी मिली सुनकर कि मैम्स ने यह बताया कि जो भी आप टूर्नामेंट्स वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाहते हैं, जो भी हमारे से सपोर्ट लेना चाहते हैं वो आप हमें बताइए, हम आपके साथ में तत्पर हैं फुल सपोर्ट के साथ में। डेविड सर क्या कहना चाहेंगे एज ए यूपी सेक्रेटरी, क्या लग रहा है कि यूपी में स्पोर्ट्स किस तरीके से बढ़ सकता है? यूपी में स्पोर्ट्स तो देखिए हमारा तो मोटो है, टारगेट है और लक्ष्य भी यही है। मैं सभी भाषाओं से आप सभी को बताना चाहूँगा कि खेलो खिलाओ और इंडिया को आगे बढ़ाओ। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और सदा यही बोलता रहूँगा। और दूसरा ये कि हमको यहाँ पर जैसे कि स्टेट का एक ये कॉर्नर है यूपी का, तो ये कॉर्नर को हमको कवर करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूपी का ब्रांच ऑफिस खोला है। और इसके साथ साथ अब हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे जो गरीब और अमीर सभी बच्चों को जो अच्छे प्लेयर बनना चाहेंगे और या अच्छे प्लेयर हैं उनको मैं सामने लाऊंगा, मेरा यही मोटो है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कैसा लग रहा है आपको यहाँ माहौल देख के, नोएडा आए आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हमने तन मन से
इनसे बहुत बहुत आभारी हैं कि हमको यहाँ पे आके बुलाया, अच्छा सम्मान किया हमारा, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोल के। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आप पहली बार इन लोगों से जुड़ रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार देखा, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से काम करने की एक दूरदर्शिता को देखा आपने इनके बीच? नहीं, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस एसोसिएशन का जोड़ने के लिए, उसकी वजह क्योंकि स्पोर्ट्समैन कभी भी पीछे नहीं हटता ऐसे कामों के लिए, और यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा सबकी इतनी लगन, डिसिप्लिन और खेल के प्रति जागरूकता, तो ये कहीं ना कहीं हमें एहसास दिलाती है कि हम टैलेंट को ढूंढ ढूंढ कर उसको आगे लेकर जाएंगे और भविष्य में क्या नाम है हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगे। और इसी उम्मीद से हम हैं कि ताकि कोई भी पैसे की कमी के कारण या किसी भी वजह से पीछे ना रहे, कोई हुनर कहीं छुपा हुआ है तो उसको लेकर के आएँ और हम आगे उसको प्रमोट करें। हुनर आगे लेके आए, अभी फ़िलहाल कुछ 2 से 3 दिन पहले इन लोगों की नेशनल हुई है पहली, और जिस सिटी में नेशनल हुई है वहाँ के सेक्रेटरी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आगरा में आप लोगों ने नेशनल कराए, किस तरीके का रहा पूरा वहाँ का परिदृश्य और यहाँ आके क्या समझते हैं? वहाँ का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, वहाँ पर जो है पूरा मैनेजमेंट हमारे श्री कृष्ण जी ने करवाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया, बहुत सारे लोगों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है और उनको जो है सम्मान दिया गया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और यहाँ पर इसको यहाँ पर अपनी कार्यालय खोलने के लिए मैं सबसे पहले पूनम जी का, पूनम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और यहाँ पे हमारे जो सामने खड़े हुए हैं मिस्टर नरेश जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी एक बात आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगा कि अब यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम यहाँ पे आ चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म को जो हमारे नेशनल संस्था के द्वारा या स्टेट के द्वारा दिया गया है, बस मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे लगातार रूप में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से हो, चाहे ऑफिशियल्स माध्यम से हो, चाहे बच्चों की रूपरेखा जो तैयार की जाती है आगे प्लानिंग्स है आने वाले 2 या 3 सालों के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे, और उस जो वहाँ से नेशनल सेक्रेटरी या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस आएगी, हम उसको ग्राउंड रूप में, ज़मीनी हकीकत के रूप में हम पूर्ण करना चाहेंगे। ठीक, तो जिस तरीके से बताया इन्होंने कि अब यहाँ से गौतम बुद्ध नगर में स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्क करेगी और यहाँ से पूरे यूपी स्टेट और नेशनल के लिए बच्चों को ढूंढने का काम करेगी, तैयारी कराएगी, साथ ही यहाँ से एक नई दिशा की ओर ये लोग बढ़े हैं, जिससे कि खेलों को ये लगातार स्कूल लेवल पर प्रमोट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ पवन कुमार जुनेजा, नोएडा।